Afternoon. इफ यू रिमेंबर, हमने पहले भी एक वर्कशीट की थी. डू यू रिमेंबर, मेरे साथ किया था आपने एक और वर्कशीट पहले भी, लास्ट वीक. यस और नो? यस, है ना, मेरे साथ की थी आपने. तो अभी दीपा मैम ने बोला है कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवाने के लिए, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, उसको थोड़े से और कंसेप्ट हम और क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल 2 में है. ओके, सबके पास कौन सी वाली असाइनमेंट है? मॉड्यूल 2 है या 1 है अभी आपके पास? 2. ओके बेटा, आपके मॉड्यूल 1 में एक क्वेश्चन था, लोकेट स्क्वायर रूट 3 और नंबर लाइन. डू यू रिमेम्बर, मॉड्यूल 1 में ये क्वेश्चन था कि इसको आपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और इसको आपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट 8.1 को. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने किया नहीं था पहले, तो आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट. एवरीबडी लुक एट द ब्लैक बोर्ड हेयर ऑन द स्क्रीन. एवरीबडी लुक हेयर. फाइन, ये करना है ना आपने क्वेश्चन बेटा? यस, यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन? यस, ओके, वेरी गुड. प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, आपके मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन था ये, जो कि छूट गया था. दीपा मैम टोल्ड मी टू डू इट. तो प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपल, और उसके ऊपर हम पॉइंट्स देंगे 0, 1, 2 ऑन द राइट साइड एंड -1, -2 ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, अब आपने इनके बीच में कितना डिस्टेंस लेना है, यू नो स्केल के ऊपर तो 1 1 सेंटर बहुत ही पास पास होता है, इतना क्लोज होता है कि आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, स्केल में 0 से लेके 2 तक आप उसको 1 यूनिट मान सकते हो, 1 यूनिट. ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा गैप हो जाए नंबर्स के बीच में. तो मैंने यहाँ पे लिया 0 1 2 ऑन दिस साइड एंड 0 -1 -2 ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड. ओके, सेंटीमीटर है 0 से लेके 1 तक. वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है सबको, या आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कंपास से ड्रॉ करना है, क्योंकि यू आर इन 9th क्लास नाउ, यू कैन यूज प्रोटेक्टर ऑल्सो. ओके, सो वी ड्रॉ होती है एग्जैक्टली, स्ट्रेट आती है हाइट जैसे परपेंडिकुलर होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है. और उसी परपेंडिकुलर पे हमने एक और पॉइंट लेना है ए, जो कि यहाँ पे भी 1 यूनिट होगा. जितना आपका यहाँ पे डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस आपने यहाँ पे लेना है स्केल से मेजर करके. इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? अभी बिगनिंग में समझ आ गया सबको कैसे करना है? वेरी गुड. तो पहले हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया, फिर हमने यहाँ पे, तो उसको हमने फिर ज्वाइन किया. ओ 0 को, 0 पॉइंट जो था बिगनिंग वाला, उसको हमने ए पॉइंट से ज्वाइन करना है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्वाइन करोगे बेटा, ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2. क्यों आएगा? यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया. पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने सबने? यस, वेरी गुड. मेरे को बताएगा, कौन बताएगा यहाँ पे? वेरी गुड, प्लीज कम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस एक्सेलेंट, स्क्वायर. वेरी गुड. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वेरी गुड, प्लीज गो बैक. तो अभी हम इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है. इस मेरे पास क्या था, वो भी 1 था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. इज इट ओके? इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो एच स्क्वायर मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर. तो जब मैं एच निकालूंगी, तो मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, आपको पता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये कितना होगा? व्हाट इज 1 स्क्वायर? हु विल टेल मी व्हाट इज 1 स्क्वायर? ओनली 1 दैट यू नो. ओके, सो इट विल बी 2. तो एच विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोर्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो उधर जाके उसका स्क्वायर रूट बन जाता है. तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 2. इसका मतलब कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट ढूंढना था स्क्वायर रूट 2, उसको मेरे को यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे मिल गया है वो स्क्वायर रूट 2. ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है, और ओ ए कंपास खोल के यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे लंबर लाइन पे राउंड, तो ये पॉइंट आपके पास जो होगा वो पॉइंट आएगा, शो करेगा स्क्वायर रूट 2. ठीक है, सेंटर हमारा क्या था, ओ. रेडियस कितना हुआ, ओ ए. कंपास कितनी खोली है, ओ ए. ओ ए कंपास खोल के जब मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन पे काटेगा यहाँ पे 2 से पहले. 2 से पहले क्यों? क्योंकि 2 से छोटा होता है वो, तो 2 से पहले ही वो कहीं ना कहीं लाइन पे काटेगा. तो दिस लाइन विल शो, दिस नंबर विल शो स्क्वायर रूट 2. एनी डाउट इन दिस? प्लीज इसकी रफ फिगर अभी ड्रॉ कर लो, लेकिन घर जाके इसको प्लीज कंपास से ड्रॉ करना. ओके,
आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, यू कैन ड्रॉइंग ग्राफ, जैसे मैंने विदाउट स्केल और विदाउट उसके ड्रॉ किया, आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते, जो भी यूज करना है अ प्रोटेक्टर यू कैन यूज इट. ओके, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क मी. सबसे पहले हमने नीचे लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 1 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, फिर 1 के ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने लॉन्ग लाइन बनाई थी उसको हमने 1 यूनिट जो है वो काट लिया. अब 1 यूनिट कहां से आएगा, वो इधर से आएगा, जो आपके पास ऑलरेडी ये डिस्टेंस था सेम ही डिस्टेंस यहां पे लोगे ऊपर. ओके, फिर जब आप ओ और ए को ज्वाइन करोगे वही आपका रेडियस बन जाएगा. किसी को डाउट है तो प्लीज खड़े होकर पूछ लो. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नोट डाउन कर लो, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स, प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ. ये बेटा आपके मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन था. ओके, अगर अभी आपके पास नहीं है यू कैन सी एट होम. अगला क्वेश्चन करें. ओके, नोट डाउन कर लो आप. वेरी गुड, आई कैन सी मेनी चिल्ड्रन आर राइटिंग, नोट डाउन कर लो. गुड गुड, वेरी गुड. आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे हमने पहले स्टेप पे क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, थर्ड में क्या किया, और फिर जो हमें ऊपर से लाइन लाएंगे वो कहाँ पे आएगी, 2 से पहले आएगी वो. ये जो कर्व बनेगी ना बेटे आपकी, 2 से पहले गिरेगी वो. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जो होता है वो 2 से छोटा होता है. इज इट क्लियर? आप घर पे जब करोगे ना कंपस से, बिल्कुल ऐसी फिगर आएगी आपकी. लेट अस स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट 8.1 ऑन द नंबर लाइन. अभी हमारे पास है स्क्वायर रूट 8.1, थोड़ा सा अलग है ये इससे, लेकिन इसमें भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगनी है, क्योंकि सब में ही राइट ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा. बिना राइट ट्रायंगल के हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन आ ही नहीं सकती. ओके, लेट अस स्टार्ट 8.1. इसका, क्योंकि ये पॉइंट वाला नंबर है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है उससे ड्रॉ करना. कैसे डिफरेंट है और कैसे स्टार्ट करना है पहले सारे समझ लो. लुक एट द स्क्रीन फर्स्ट. सी, सबसे पहले हमें एक छोटी सी लाइन ए बी बनानी है जिसकी डिस्टेंस होगा 8.1. स्क्वायर रूट 8.1 नहीं, ओनली 8.1. इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 8.1, वो आप स्केल से माप सकते हो. ओके, अब ए बी के बाद मैंने एक छोटा सा और डिस्टेंस ले लिया बी से सी तक, जो कि इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, 1 यूनिट होगा बेसिकली. जरूरी नहीं कि आप उसको 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो अपनी नोटबुक के साइज के हिसाब से, लेकिन बोलना उसको 1 ही है. इज इट क्लियर? सबसे पहले हमने ए बी लाइन ली 8.1 सेंटीमीटर, और बी से सी तक मैंने 1 यूनिट उसको एक्सटेंड कर दिया. उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो हमारे पास पूरी एसी लाइन आ गई थी नीचे, उसका मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हु विल टेल मी हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन? कोई भी आपके पास लाइन दी हुई है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हो? प्लीज रेज योर हैंड, किसको आता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? चलो मैं बताती हूँ फिर. आप इसको कैसे करोगे बेटे, कंपास लेके ए बी कंपास रख के एसी की हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोल के ऊपर और नीचे आर्क लगा दोगे. समझ आया? ए पे आपने कंपास रखनी है और खोलना कितना है कंपास को, एसी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. आपको हाफ अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा कि यहां तक आ रहा है, मापने की जरूरत नहीं है, उससे थोड़ा सा ज्यादा खोल के अप एंड डाउन आर्क लगा दो. ऐसे ही सेम बिना हिलाए उसको सी पे कर रख के उसको आर्क्स को काट लो. समझ आ गया? तो ये दोनों आर्क जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा ना सेंटर पॉइंट, वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा हमेशा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?
किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है? अगर आपको समझ आ गई है प्लीज रेज योर हैंड, टेल मी यस अंडरस्टूड। बी सेक्शन, ए सेक्शन, समझ आ गया बेटे मिड पॉइंट कैसे निकालना है कोई भी लाइन का? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एसी लाइन का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया और मिड पॉइंट निकाल लिया। ओके, अभी मिड पॉइंट जो ने हमने निकाला है, मिड पॉइंट के ऊपर मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर सेमी सर्कल कैसे आएगा? ओ पे सेंटर रख के ओ ए कंपस खोल के, कंपस कितनी खोलनी है? ओ ए, ये पूरी लाइन आप एक ड्रॉ करोगे तो वो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। सबको पता है सेमी सर्कल क्या होता है? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सर्कल का हाफ। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की थी 8.1, फिर मैंने बी सी ड्रॉ किया था 1 यूनिट का, फिर मैंने ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उसके ऊपर सेमी सर्कल बना दिया। यहां तक समझ आ गया सबको? वेरी गुड। देन जैसे ही आपके पास सेमी सर्कल आएगा, पॉइंट बी पे हमने फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप इसको प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो, सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है प्रोटेक्टर के ऊपर 90 डिग्री लिखा होता है ना, स्लिप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो उससे भी आप कर सकते हो। बी के ऊपर हमने मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो अभी डी जो पॉइंट है ना, वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो बी डी लेंथ है वो मेरे को शो कर रही है स्क्वायर रूट 8.1, जो मेरे को चाहिए था। जो बी डी लेंथ आई है ना बेटे आपके पास, फर्स्ट बॉयज मैं देख रही हूँ इधर 9th B में, बेटा फर्स्ट बेंच, बातें नहीं करनी, जो पूछना है आपने मेरे से पूछो। 9th B फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं दोनों, कोई डाउट है प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी। ओके, तो हमने बी डी जो लेंथ है बेटी, वो आपके पास क्या आई है? स्क्वायर रूट 8.1, जो हमें चाहिए था। ओके, तो अभी हम कंपस को बी पे रख के और डी तक खोल के यहाँ पे जब आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट ई आएगा वो हमारे पास शो करेगा स्क्वायर रूट 8.1। इज इट क्लियर? अब आप सोचोगे ई कहाँ से आ गया, हमें तो बीसी को एक्सटेंड करना पड़ा थोड़ा सा। जब आपके पास कोई लाइन होती है, आपको पता नहीं होता बिगनिंग में कि वो कितना लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो जैसे ही वो आंख नीचे टच करेगी यहाँ से यहाँ, तो हम उसको बीसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, अपनी मर्जी से लंबाई उसकी लॉन्ग कर देंगे थोड़ी सी, ताकि ई उसको मिल जाए। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस जो आपके पास बी ई होगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 8.1। ठीक है बेटा, एनी डाउट टिल हियर बेटा? दिस इज टोटली डिफरेंट, प्लीज नोट इट डाउन। घर पे जाके इसको कंपस और स्केल से ड्रॉ करना, अभी सिर्फ इसको कॉपी में नोट कर लो। फिगर सबको क्लियर दिख रही है? वेरी गुड, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, नोट इट डाउन। वेरी गुड, इसके बाद हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में भी है बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस ना, अगर मैंने 8.1 किया तो 9.3, 5.9, 6.4, सारे एक सबका सेम मेथड है, ऐसे ही करने हैं सारे। चलो वेरी गुड, अभी हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। सबके पास है मॉड्यूल 2? वेरी गुड, मॉड्यूल 2 के अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे।
अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, यू कैन नोट डाउन. कई बच्चे अभी लिख रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम. ओके, शेल वी स्टार्ट बेटे, मॉड्यूल टू स्टार्ट करें? वेरी गुड. मॉड्यूल टू में सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इसमें आपके पास एमसी क्वेश्चंस में ये जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स की, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो यूज होनी है. ठीक है बेटा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. इसको मैं क्लीन करूं बच्चे, सबने नोट कर लिया? वेरी गुड, फाइन. मॉड्यूल टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज एमसीक्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर. प्लीज कॉपी डाउन, इसको लिखो अपनी नोटबुक में. ये थोड़ा सा लेंदी नंबर है, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा. टू मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 625 माइनस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 320. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी क्लास भी बड़ी है, यू कैन डू इट वेरी इजीली. इस क्वेश्चन में बेटा जो नंबर्स हैं हमारे पास, जब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होता है, रैशनल नंबर्स को या इरैशनल नंबर को, जब भी इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब उनको हमने ब्रेक करना है, बड़े नंबर को छोटे छोटे भागों में बांटना है. ओके, कैसे? अब आपके पास 40 है, 40 को आप टू नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो. 40 कौन से टेबल में आता है, कौन बताएगा मेरे को? हु विल टेल मी? जिया, जिया शर्मा इज देयर? 9th ए. 40 कौन से टेबल में आता है? वेरी गुड. वेरी गुड, टू के टेबल में आता है. 8 5s 40 होता है बेटा, पता है ना? 5 के टेबल में आता है ना 40. यस, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन. तो हम इसको लिख सकते हैं 8 into 5. ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखना है हमने नंबर्स को. प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 625. 625 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, हमें अभी ओरली नहीं पता चलेगा कि कैसे ब्रेक करना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. 625 का एलसीएम लो. आपको पता है पीछे 5 है यूनिट प्लेस पे, तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, 5 भी तो एक छोटा ही नंबर है, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप, देखते हो यहाँ पे क्या आएगा. 1 2 5. ओके, फिर से 5 से जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे आएगा 2 and 5. फिर से 5 से जाएगा, आपको पता है 5 5s 25 एंड 5 1s 5. तो कितनी बार 5 आ रहा है आपके पास? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है. तो मैं इसको लिखूंगी 5 into 5 raised to power 3. क्यों मैंने लिखा इसको? मैंने 4 को ब्रेक क्यों कर दिया? क्योंकि जो बाहर मेरे पास 3 था, 1/3, उसको मैंने अंदर वाले से कैंसिल करना है. इज इट क्लियर बेटा? आपको पता है कि जब बाहर मेरे पास 3 है और अंदर भी 3 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 raised to power 3 divided by 3, जो कि कैंसिल हो जाएगा और आंसर 2 आ जाएगा. आपको पता है ये चीज और नॉट? यू नो दिस? यस. तो आपको ये चीज पता है कि अगर जो पावर मेरे पास बाहर है उसको कैंसिल करने के लिए मेरे को सेम पावर अंदर भी लानी पड़ेगी. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 4 पावर आ रही थी, बट 4 को मैंने अपने आप ब्रेक करके 1 और 3 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को 3 चाहिए अंदर. ऑलराइट, सिमिलरली -4 320, इसके भी ब्रेक करना है, 320 को भी ब्रेक करना है. चलो इसका भी एलसीएम लेते हैं. डू इट इन द नोटबुक, सबको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं. आई विल आस्क यू ओनली. वेरी गुड, थ्री ट्वेंटी का एलसीएम में क्या क्या आएगा? 320. बेटे अभी आप देखो 9th क्लास में हो ना, आपको थोड़े से शॉर्टकट भी आने चाहिए करने. अभी शॉर्टकट में क्या है, आपको पता है यहाँ पे 0 है,
और 32 आपको पता है कि 8 4 32 होता है, कर सकते हो ना ऐसे, तो साथ में 0 लगा दो, 8 into 40 is 320। ये समझ आया आपको बेटा? ओके, अब आप स्मार्ट हो गए हो, बड़ी क्लास में हो गए हो, थोड़े थोड़ा आपको ओरल करना भी आना चाहिए। जब पीछे 0 होता है उसको स्किप, थोड़ा 2 मिनट के लिए हाइड कर दो, छुपा दो उसको, तो आप देखोगे 32, 8 4 32 होता है, और साथ में 0 लगा दो, 18 to 40। अब 40 को कैसे ब्रेक करते हैं वो भी हमने फर्स्ट में किया था, 8 into 8 5 40। मैंने 40 को भी आगे ब्रेक कर दिया, वो 8 5 बन गया। ठीक है बेटा, तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 into 8 into 5। 320 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। दिस स्टेप इज क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। अभी अभी आपके पास जो जो पावर्स हैं उनको 3 के फॉर्म में हमने लिखना है। आपको पता है कि जो 8 होता है, 8 किसके इक्वल होता है? 2 raised to power 3। एवरीबडी नोस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3। सो आई कैन राइट इट एज 2 raised to power 3 into 5 प्लस 3 into 5 into 5 raised to power 3। ये तो ऑलरेडी पावर 3 में ही है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, अभी उसको कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जो करना है। -4, फिर से हमारे पास 8 आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, 2 इसको मैं भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। दिस इज क्लियर? कर सकते हैं ऐसे कि नहीं? यस, हमने 8 को ब्रेक करके, 8 को ब्रेक करके हमने उसको 2 raised to power 3 लिख दिया। ओके, अब जितनी भी नंबर्स हैं जिनकी पावर 3 है उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यस और नो, निकाल सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट एज 2 into 2 और क्यूब रूट ऑफ 5। वो ऐसे का ऐसे ही अंदर रहेगा, 2 को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि 3 जो है वो 1/3 से कैंसिल हो गया। प्लस 3, यहां से कौन सा नंबर बाहर आएगा? कैन यू टेल मी, रेज योर हैंड, सेकंड ब्रैकेट में कौन सा नंबर बाहर आएगा? अनमोल 9th है, वेरी गुड। कौन सा नंबर बाहर आएगा, ये वाला या ये वाला? 5 क्यूब। 5 क्यूब, 5 क्यूब वाला नंबर बाहर आएगा, इसलिए बाहर आ जाएगा 5। वेरी गुड, गो बैक, एक्सेलेंट। और 1 5 जो है हमारा अंदर रह गया, जिसकी पावर थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया, जिसकी पावर नहीं है वो अंदर ही रहेगा। ओके फाइन, -4 into, अब बाहर क्या आएगा कौन बताएगा? या फर्स्ट बॉय 9th B में, वेरी गुड, आगे आ जाओ, आपने पहले भी हैंड रेस किया था, मैंने बुलाया नहीं था आपको, वेरी गुड, 4 into 2 into 2 into under एक्सेलेंट, 5। 2 into 2, वेरी गुड, और अंदर आ जाएगा 5। वेरी गुड, वेरी गुड, गो बैक। यहां तक समझ आ गया सबको? एनी डाउट बटे? वेरी गुड। जिनके ऊपर क्यूब था उनको हमने सबको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लिया, अभी उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 15 क्यूब रूट ऑफ 5 -4 4 16 क्यूब रूट ऑफ 5। आपको दिख रहा है ये क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5, तीनों में कॉमन है, तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। वी कैन राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ 5, जो कि कॉमन है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 16। प्लीज इसको सॉल्व करो और बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहे हैं और कौन से किससे मैच कर रहा है, प्लस माइनस करके बताओ मेरे को।
थोड़ा सा और चेक करो इसको, रीचेक करो. मैथ्स में कभी भी जो हम प्लस माइनस करते हैं, प्लीज उसको दो बार चेक किया करो बेटा, इफ यू वांट कि मिस्टेक ना हो आपकी. एक बार दोबारा चेक करो. 4 + 15, दिस इज 15 बेटा. 4 + 15 - 16. आपके आंसर इज कमिंग. टेंडर थ्री स्क्वायर रूट फाइव, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आपके पास 3, तो आ जाएगा 3³/5. कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है आपकी, ए बी सी या डी? बी, बी इज मैचिंग क्योंकि आपका क्यूब रूट है यहाँ पे. बी ऑप्शन इज मैचिंग, तो बी को टिक मार्क करो. वेरी गुड. कई बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, वेरी गुड. नोट डाउन करो इसको एंड अंडरस्टैंड भी करो. किसी को डाउट है आप खड़े होके पूछ भी सकते हो. अभी अपने डाउट्स अपने घर पे नहीं लेके जाने, अभी पूछ लो जो पूछना है. ठीक है, व्हेन यू गो होम आपको घर पे जाके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पे पढ़ रहे हो, यहीं पे अपने डाउट्स क्लियर करो. वेरी गुड. अभी कई बच्चे नोट कर रहे हैं, तो मैं आई विल वेट फॉर देम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. वेरी गुड. रफ वर्क में मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया, उसको भी नोट डाउन कर सकते हो. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे नंबर्स को कैसे डील कैसे करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा. ओके, कई बच्चों ने बोला नो. आई एम वेटिंग फॉर अनदर 1 मिनट. 1 मिनट और दे रही हूं मैं आपको. यू कैन नोट डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा. आपकी वर्कशीट में शायद ही होगा, विच इज ग्रेटर, ये वाला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में. यस और नो, इसको काट दो आप. विच इज ग्रेटर वाला क्वेश्चन काट दो. दीपा मैम ने बोला इसको नहीं करना, हम अगला क्वेश्चन करते हैं. अभी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, इसको क्लीन कर दो बेटे. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, -2 - √3 एंड -2 + √3. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. -2 - √3 एंड -2 + √3, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने. ठीक है, पहले तो इसको क्वेश्चन को पहचान लो कि ये कैसा क्वेश्चन लग रहा है आपको. इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है. अगर कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन नहीं सपोज करते हैं हम उसको, मल्टीप्लाई. ओके, अंडरस्टूड है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अभी दो जो मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, सबसे पहले आप 8th क्लास में आपने सारी आइडेंटिटीज की हुई है, a + b, a - b या a + b² सारी आइडेंटिटीज की है, तो आपको लगता है कि ये किसी आइडेंटिटी से मैच करता है? आपको दिख रहा है कि ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, -2 - -2 दोनों ब्रैकेट्स में, और ये दोनों भी मिल रहे हैं, √3 / √3 दोनों ब्रैकेट्स में मिल रहे हैं. ठीक है, तो आपको लगता है कि इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, a - b, a + b. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस सेक्शन बी? अभिरूप. अभिरूप इज देयर 9th b. यस, वेरी गुड. a - b² a² - b² ओके, प्लीज सिट डाउन. इट इज a² - b² आपने 8th क्लास में किया हुआ है. अभी कोई बात नहीं, आप जब दोबारा इसको पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा दोबारा. डू यू रिमेम्बर 8th क्लास में किया था, a + b, a - b, जब अपोजिट साइन होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a² - b² तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे.
एक ही जगह आपके पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट टू, और बी की जगह आपके पास क्या है, सॉरी यहाँ पे ओनली स्क्वायर, ओनली टू है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो दिस इज माइनस टू स्क्वायर एंड यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर। इज इट क्लियर? ए की जगह मैंने माइनस टू लिखा और बी की जगह स्क्वायर रूट थ्री लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज इसको कैलकुलेट करो, टेल मी क्या आ रहा है। फोर माइनस थ्री इज वन, सो आंसर इज वन। तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी आपकी, पॉजिटिव एंड रैशनल या फिर पॉजिटिव एंड इरैशनल? एक्सेलेंट, पॉजिटिव एंड रैशनल। आपको पता है वन जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ये रैशनल नंबर है, तो हमारी बी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है और बी को हम टिक मार्क करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ फोर इंटू ट्वेल्थ रूट ऑफ 243। प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है बीच में जो डॉट लिखा होता है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ओके, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा नंबर आ जाए उसको प्लीज ब्रेक करने की कोशिश करो, जब तक वो छोटा नंबर नहीं बनेगा हम क्वेश्चन उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, वी विल नॉट कम टू, ना हमें पता ही नहीं चलेगा इसको करना क्या है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 243 का एलसीएम लेते हैं। 243 आपको नंबर, उसको शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि वो थ्री की टेबल से जाएगा। वैसे आपने छोटी क्लासेस में थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी किया हुआ है, याद है किसी को थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? आप सारे नंबर्स को प्लस करके चेक करते हो कि वो थ्री के टेबल में जाता है कि नहीं। 2 प्लस 4 सिक्स, 6 प्लस 3 9, 9 3 के टेबल से जाता है, इसका मतलब 243 भी 9 के टेबल, 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 के टेबल से स्टार्ट करो इसको, डू इट इन द नोटबुक। एवरीबडी यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम, प्लीज टेल मी कितनी पावर आ रही है इसकी। 3 रेज टू पावर 5, वेरी गुड। क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 12 3 रेज टू पावर 5, जब इसका एलसीएम लोगे 3 रेज टू पावर 5 बनेगा। ठीक है, अभी हम इसके पावर्स को करते हैं। 3 रेज टू पावर 1/3, 4 रेज टू पावर 1/3, सॉरी ये मेरे को लगता है 3 4 नहीं है, ये 3 है ना, सॉरी जस्ट अ मिनट बेटा, ये आपका उल्टा हो गया, इसको चेंज करते हैं। ये जो आपकी सेकंड ब्रैकेट थी इसमें था बाहर 4 था और अंदर 3 था, बाहर 4 अंदर 3, फिर बाहर इसका 3 की पावर 1/4 आएगी। एनी डाउट टिल हियर बेटा? वेरी गुड, फाइन। तो अभी इसको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 5 पावर अंदर है और 12 स्क्वायर रूट के बाहर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 रेज 5 अपॉन 12। अब इसमें आपका पावर लगेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगेगा जो आपने 8th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। आपको दिख रहा है इसमें बेस इज सेम, 3 3 3, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, एड। सबको पता है ये आपने 8th क्लास में किया था एक्सपोनेंशियल के चैप्टर। तो 3 की पावर हमने करनी है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। प्लीज इसको ऐड करो फटाफट, सबको पता है कैसे करते हैं, मेरे को बताओ कि 3 की पावर क्या आ रही है ऐड करके। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एलसीएम लेना सबको आता है, वेरी गुड। 3 रेज टू पावर 12 अपॉन 12,
जब आप इसको प्लस करोगे ना सबको, मैं बताऊं आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, ये आता है आपको, यू नो इट, है ना, ऑलरेडी आता है आपको, प्लीज ट्राई। इसका एलसीएम 12 आएगा, और ऊपर जब सबको प्लस करोगे वो भी 12 आएगा। ये आपके पास बन जाएगा 3 raised to power 1, जो कि इज इक्वल टू है 3। किस किस ने निकाल लिया 12/12? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आपको आता है करना, वेरी गुड। काफी बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, एक्सेलेंट। ठीक है, 12/12, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है बच्चे? बी। ऑप्शन इज मैचिंग, सो बी इज द आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, ये वाला। इफ √3 - 1/√3 + 1 इज इक्वल टू a - b√3। इफ इफ मतलब क्या, क्या इसका क्या मतलब है कि गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आपने क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है और उसको फिर ऑप्शन से मैच करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो चीज हमें गिवन होती है बेटा, हम वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आप चूज करोगे, अगर जब तक वो जो चीज हमें गिवन है उसको वहीं से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्योंकि जो चीज गिवन होती है उसको कोई पर्पस होता है, मीनिंग होता है उसका, कि क्या उसको कुछ करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इट इज √3 - 1/√3 + 1। यहाँ पे प्लस का साइन है। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। आपको इसमें बस ये अंडरस्टैंड करना है कि डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है, वहां से हमने स्क्वायर रूट हटाना होता है। आपको लग रहा है ये कौन सा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है? डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है ये। इसको अभी हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज द नंबर, रैशनलाइज, रैशनलाइज मतलब हमने इसको रैशनल नंबर बनाना है। रैशनल नंबर कब बनेगा? जब इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से, जो डिनोमिनेटर में साइन है प्लस का, उसके अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। वी विल डू √3 - 1/√3 - 1। अगर आपके पास नीचे माइनस होता तो हम प्लस लेते, प्लस है तो माइनस लेंगे, हमेशा अपोजिट साइन लेना है। ओके, उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे होगा खत्म, आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि यहां भी फ्रैक्शन है, यहां भी फ्रैक्शन है, टू फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन बताएगा? न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, पता है ना आपको? ओके, वेरी गुड। तो न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करो, √3 - 1 × √3 - 1। आपको दिख रहा है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, √3 + 1 × √3 - 1। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बन गया है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, जो आपने 8th क्लास में की थी। ये नंबर हमें दिख रहे हैं, √3 - 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कि दोनों सेम है, ये भी √3 - 1 है, ये भी √3 - 1 है, तो मैं उसको √3 - 1 का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और नीचे आपको कैसा नंबर दिख रहा है, ये कोई जाना पहचाना नंबर लग रहा है आपको? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी नाइस। a + b, a - b, तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें, a² - b² ये तो हमें पता ही है, हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज किया था।
ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, हमने उसको छोटा 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 कंपाइल करना है अभी पूरे क्वेश्चन को, ताकि हमारा अच्छा सा आंसर आ जाए। तो अभी हमने क्या करना है, ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सबको आती है आइडेंटिटी? यस। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लीज इसको कैलकुलेट करोगे, बताओगे मेरे को क्या आएगा डिनोमिनेटर में? थ्री माइनस वन। ये स्क्वायर रूट कहाँ चला गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। फाइन, तो आई कैन राइट इट एज, तो वही तो हम चाहते थे कि इसको रैशनलाइज हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अब आपके पास बहुत ही अच्छा नंबर बन गया, नीचे से स्क्वायर रूट गायब हो गया है, और बहुत ही अच्छा आपके पास टू एक नंबर बन गया, सिंपल नंबर जो कि एक रैशनल नंबर है। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में अभी आने वाला है। इट विल बी थ्री प्लस वन माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अभी हमने धीरे 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 जो स्क्वायर रूट वाले नंबर है उनको हमने कैंसिल करना शुरू कर दिया, तो अभी हमारे पास नंबर आ गया फोर माइनस टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू। ओके, अब इसको हमने बड़ी ध्यान से करना है सॉल्व। बेटा अभी मैं इसके बाद यहां लिखूंगी, प्लीज सेट, या मैं इसके ऊपर लिखती हूँ फिर आपको इजी लगेगा, यहीं पे करते हैं इसको। सी, इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगी यहाँ पे। बेटे जो नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, प्लीज अंडरस्टैंड करके नोट डाउन करना है, ऐसा ना हो कि फिर घर जाके आपको कुछ समझ ना आए कि क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, ओके। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आप इसमें से ऊपर से टू कॉमन ले सकते हो, टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और हमारे पास नंबर बन गया टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री, और भी सिंपल बन गया। आपने देखा क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट था, शुरू में मुश्किल था, फिर हमने उसको रैशनलाइज किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी लगाई, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया, वो और भी छोटा बन गया। धीरे धीरे हमारे सारे स्क्वायर रूट जो है वो गायब होते रहे क्वेश्चन में से, निकलते गए अपने आप। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट में आंसर आया बेटा टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री, उसको हमने राइट हैंड साइड से मैच करना है इससे। ठीक है, राइट हैंड साइड से हमने मैच करना है कि कहाँ पे ए है और कहाँ पे बी है, केयरफुली उसको देखना है। यहाँ पे मेरे पास था ए माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री, और वहां पे मेरे पास आया है टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, आप ध्यान से देख सकते हो कि ए की जगह क्या लिखा है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे मेरे को, केयरफुली इसको नोट डाउन करो। अंकित ऑफ नाइन्थ बी, अंकित, या कैन यू टेल मी बच्चे, ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है? मैम, इन द प्लेस ऑफ ए देयर विल कम डिजिट टू, यस, हाँ, वेरी गुड, एंड इन प्लेस ऑफ बी देयर विल कम अंडर रूट थ्री. बेटा 1 मिनट, अंडर रूट थ्री तो ऑलरेडी है, अंडर रूट थ्री तो यहां भी है, यहां भी है, और माइनस यहां भी है, यहां भी है। मेरे को बताओ बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी की जगह क्या दिख रहा है आपको? वन, वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड। वन इज, यू नो, वन इज अ हिडन नंबर बेटा, हिडन नंबर, छुपा होता है वो माइनस, और अब अगर बी लिखा है तो इसका मतलब है कि वन इंटू माइनस बी है वो। ठीक है, तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू वन। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है बच्चे? ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, जब हमने मैच करना है ना बेटे, यहाँ पे सारे साइन सब कुछ देखना है कि क्या क्या है, क्या क्या है मैच कर रहा है दोनों लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। और मैचिंग के अलावा जो बचा हुआ सामान है उनमें से कोई ए होगा, कोई उनमें से बी होगा। ओके बेटा, चल, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा।
इसके बाद टर्न द पेज, हम लोग केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये बच्चे नोट डाउन कर रहे हो, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, कर लो नोट डाउन, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए बेटा, केस स्टडी क्वेश्चंस करें। वेरी गुड, टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखो। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप अपनी वर्कशीट में रीड करो इसको साथ साथ। देर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन and there is a square plot whose side is given. Okay, answer the following questions based upon this information. आपने lower classes में पढ़ा हुआ है rectangle क्या होता है, उसमें length और breadth होती है, और जो square होती है उसमें सिर्फ एक ही length हम use करते हैं क्योंकि all sides उसकी equal होती हैं। तो let us write it. There is a rectangle, इसकी length आपको दी हुई है 4√5 plus 3√2 और ब्रेथ दी हुई है आपको 5 5√2 माइनस 3√5। ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट में डालो क्योंकि ये लॉन्ग नंबर है ना, बड़ा नंबर है, तो ब्रैकेट में डालो, दे आर टुगेदर एक्चुअली। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट वाले नंबर को हम एक नंबर ही कंसीडर करते हैं, तो कुछ गलती ना हो जाए साइन की, इसलिए इसको इकट्ठा लिखो। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, और इसी तरह आपके पास स्क्वायर है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 2√6 माइनस 2√3 मीटर्स। इनके साथ मीटर्स भी लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है मेजरमेंट जो होती है सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ पक्का लिखा होता है उसके साथ, यूनिट लिखी होती है। ओके, तो आपने भी लिखना है इसको। ओके, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपने छोटी क्लासेस में भी किया था, कौन बताएगा मेरे को? जसप्रीत ऑफ 9th B, वेरी गुड, आगे आ जाओ। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट क्वेश्चन, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज गो बैक। ये आपने लोअर क्लासेस में 8th में भी पढ़ा हुआ है, काफी यूज किया था आपने 8th क्लास में पैरिमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में, है ना? ये तो कभी भूलना ही नहीं है, ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा, हर एक क्लास में यूज होगा। तो अभी इसकी वैल्यूज डालो बेटे, 2 L की जगह हमने लिखना है पूरा का पूरा, ये ब्रैकेट लिखना पड़ेगा 3√2, जो ऊपर एल की वैल्यू है ना बेटा एज इट इज पूरी की पूरी ब्रैकेट इसको कॉपी कर दो यहाँ पे, प्लस बी की जगह पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ भी आ जाएगा 3√5, एंड एक और ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर 2 भी था हमारे पास। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना बेटे, अंदर स्मॉल ब्रैकेट और बाहर बिग ब्रैकेट क्योंकि मेरे को 2 को बाहर निकालना है। एनी डाउट टिल हियर, यहां तक समझ आ गया? सिर्फ हमने एल और बी की वैल्यू डाल लिया। ओके बेटा, अभी हमने ब्रैकेट खोलनी है। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं आपको पता है कि ये जो नंबर है ये वाला 4√5, इसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3√2, इसको सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना आपको टू ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं? वेरी गुड, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2√5 प्लस 8√2। जब इसको खोलोगे ना आप, ये आपके पास आंसर आएगा, मीटर्स प्लस करोगे माइनस करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास जो लास्ट है वो कहां से मैच करेगी, ए बी सी या डी से? सी ऑप्शन। ठीक है, ये स्टेप आप घर पे करोगे, यू विल डू इट योरसेल्फ,
सबको पता है कि कैसे ब्रैकेट खोलते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? जब आप इसको मैच करोगे, सी ऑप्शन आपकी मैच कर रही है, तो प्लीज टिक मार्क सी पार्ट। ठीक है बेटा, चलो सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट? पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पवनीत कौर, 9B, व्हाट इज पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट? वेरी गुड। फोर इंटू साइड, वेरी गुड। फोर इंटू एल, वेरी गुड। गो बैक, फोर इंटू एल, चारों साइड को जब आप प्लस कर दोगे वो आपके पास पैरीमीटर बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। फोर इंटू एल, फोर मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू डालो यहाँ पे, दैट इज स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपको पता है ना स्क्वायर की हमने ये वाली वैल्यू दी हुई थी लेंथ की, ठीक है? तो अभी हम इसको ब्रैकेट नहीं खोलते, पहले हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन को देखो, कहीं ये मैच कर रही है या फिर हमें इसे खोलने की जरूरत है। ऑप्शन ए, इट इज मैचिंग विद ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर एक स्टेप में ही निकल गया। प्लीज ए को टिक मार्क करो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। थर्ड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सबको पता है, ये तो बहुत ही सिंपल होता है, पैरीमीटर में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सबको पता है एल इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस, सबको पता है एल इंटू बी। इसमें हम एल इंटू बी लेंथ और ब्रेथ को प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? एल की जगह एल की वैल्यू डालो और बी की जगह बी की, और फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। फोर स्क्वायर रूट फाइव प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ब्रैकेट फाइव स्क्वायर रूट टू माइनस थ्री स्क्वायर रूट फाइव। इसको बेटा देखो, जब आप नंबर ये वाले लिखते हो ना, स्क्वायर रूट और साइन वाले, जब आप बोल बोल के लिखोगे ना, लिपसिंग करनी है, मतलब बोलना है बट माइंड में बोलना है, फिर कुछ रॉन्ग नहीं होता। क्योंकि ये नंबर आप पेपर से अपने जो आपको शीट मिली हुई है वहां से आप नोटबुक पे नोट कर रहे हो, तो थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, साइन की गलती हो सकती है। स्क्वायर रूट फाइव की जगह स्क्वायर रूट थ्री लिख सकते हो, या कुछ लिपसिंग जब करोगे, जब आप बोलते रहोगे माइंड में, तो रॉन्ग नहीं होता वो। ओके, क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, ओनली थिंग इज कि आपको केयरफुली लिखना है और केयरफुली उसका फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो जब आप दोनों, आपको मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स? यस, तो व्हेन यू विल ट्राई इट, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 11 स्क्वायर रूट 10 माइनस 30। ये आपके पास मीटर स्क्वायर आंसर आएगा एरिया का। तो ये हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? बी से। ओके, तो बी इज द ऑप्शन, टिक मार्क इट। फोर्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, वो भी आपका बहुत सिंपल है क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को? हरजोत सिंह, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड इनटू साइड। एक्सीलेंट, साइड इनटू साइड, ए की साइड हमें दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो एरिया आ जाएगा। गो बैक, वेरी गुड, गो टू योर सीट बच्चे। क्वेश्चन नंबर फोर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। एल इंटू एल लिखो या साइड इंटू साइड लिखो या एल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ऑल आर सेम, ठीक है? जब आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, प्लीज इसको कैलकुलेट करो बच्चे। फाइंड आउट एल इंटू एल कितना आ रहा है, वैल्यू डालो इसकी, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3।
बेटे आपके पास देखो दो मेथड है इसको करने के। या तो आप देखो मल्टीप्लाई करो, पूरी ब्रैकेट को खोलो। और शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, किसी को पता है इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है? शॉर्टकट मेथड का मतलब है आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन बताएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। वेरी गुड, नाइन्थ बी। आई कैन सी योर हैंड बच्चे, प्लीज आके बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सेलेंट, उसने पूरी आइडेंटिटी खोल के बता दी, पूरा आंसर भी बता दिया। प्लीज सिट डाउन। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ओके, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, और सी की जगह सी की। लेट अस सॉल्व इट बेटा। ए स्क्वायर का मतलब 6 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 माइनस 2 × √6 × √3। ठीक है, जब इसको खोलोगे आप, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, प्लीज इसका आंसर बताओ मेरे को। इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है। मतलब आंसर इज 9 − √18 m². एक्सेलेंट, वेरी गुड। किसने बताया? प्लीज स्टैंड, आई वॉन्ट टू सी यू। किसने आंसर बताया? फर्स्ट बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। उसने करेक्ट आंसर बताया, उसने बताया 9 − √18। ओके, तो इसको अगर हम, इसको कैन वी राइट इट एज 9 − 6√2 ऑल्सो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Yes. क्योंकि 18 जो होता है, 9 × 2 = 18 होता है, इसलिए 9 का मैंने बाहर निकाल लिया, 3 तो वो 6 बन गया, है ना। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे ये निकालेंगे, कुछ बच्चे ये निकालेंगे, तो इसका मतलब इसकी दोनों ऑप्शंस मैच कर रही हैं, ए एंड बी। ऑलराइट, तो आपकी हमारी ऑप्शन क्या होगी? डी, जिसमें ए भी आंसर हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके, कभी आपको क्वेश्चन आता है तो इसको फाइन। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चे, लास्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, देखो नीचे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल फॉर द स्क्वायर प्लॉट? लेंथ ऑफ डायगनल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल? लेंथ ऑफ डायगनल फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये आपको मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आप ये कभी यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है ये। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास √2 × साइड। साइड किसकी, स्क्वायर की या रेक्टेंगल की? स्क्वायर की, क्योंकि हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप जब √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, √6 − √3 आपका साइड थी। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? सामने सामने आंसर दिख ही रहा है आपको। यस, ओके, तो उसको टिक मार्क कर लो, दैट इज आंसर, बी ऑप्शन इज मैचिंग। √2 है ना बेटा, यहाँ पे √2 × है, तो ऑप्शन ए मैच करेगी बच्चे, बी नहीं, ए। ए विल मैच, क्योंकि आपके पास है √12, जब आप मल्टीप्लाई करोगे −√6, ए ऑप्शन मैच कर रही है। ओके बेटा, हाँ प्लीज इसको टिक मार्क करो, और घर पे प्लीज ये रिवाइज करना बेटा क्वेश्चंस। ओके, तभी आपको और अच्छे से समझ आएंगे। चलो नेक्स्ट टाइम बच्चे, ओके, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट होम। चलो बाय बाय, गुड डे, बाय। एवरीबॉडी, बाय बाय।